हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। ठंड बढ़ रही है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में। जो पंजाब में मेरे दोस्त होंगे उनको पता होगा कैसे ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो नेवर माइंड, आज का वीडियो है एक नहीं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि आप कंपेरिजन वीडियो बनाएँ सैमसंग M30S का विद सैमसंग A50। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि दोनों फ़ोन बहुत बढ़िया है, लेकिन M30S जीतता है कैसे वो आपको पता लगेगा इस पूरे वीडियो में। और पाजी, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है। एक पाजी हैं हमारे, बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। वो काफ़ी वीडियोस काफ़ी बार मुझे बोल चुके थे, और इसके अलावा काफ़ी लोगों ने और ने भी बोला। तो ये बनता भी था वीडियो क्योंकि काफ़ी क्लोज स्पेक्स हैं इनकी, और प्राइस और बैटरी, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें ये बहुत ईजिली जीत जाता है A50 से। तो किन चीज़ों पर ये जीतता है और क्यों है ये बेस्ट एज कम्पेयर टू A50, और क्या बनेगा आपको फाइनल, मैं इसमें बताने वाला हूँ। आपको एक एक चीज़ पता लगेगी, एक एक पॉइंट बताऊँगा। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। अगर आप इन दोनों फ़ोन्स के बीच में कन्फ्यूज़ हैं तो ये वीडियो आपका कन्फ्यूजन दूर कर देगा। फ़ोन की जान होता है प्रोसेसर, प्रोसेसर ही सारी चीज़ें प्रोसेस करेगा। अगर वो लेटेस्ट है तो उसी की तरफ जाना चाहिए। तो जहाँ तक प्रोसेसर की बात है, हमारे पास इस फ़ोन में लेटेस्ट प्रोसेसर है इनका, मतलब एज़ कम्पेयर टू A50 इसमें एडवांस प्रोसेसर है। उसके प्रोसेसर का नाम है सैमसंग एक्जीनोस 9 ऑक्टा, इसमें 9 ऑक्टा है, और उसमें सैमसंग एक्जीनोस 7 ऑक्टा। तो ऑलरेडी इसमें उससे बेटर प्रोसेसर है, तो ये जीतता है। तो हमेशा आपको प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए जो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर दें। A50 का प्रोसेसर थोड़ा सा कम है, हालांकि परफॉर्मेंस की जहां तक बात आएगी तो हल्का सा फ़र्क पड़ेगा, इतना आपको शायद महसूस भी ना हो, लेकिन जब आप बेस्ट देख रहे हैं तो आपको बेस्ट चीज़ लेनी चाहिए। तो उस लिहाज से हम कंपैरिजन कर रहे हैं A50 का तो M30S के साथ, तो इस प्रोसेसर की रेस में M30S आगे है। उसके बाद आपको मिलती है स्टोरेज कैपेसिटीज़ ऑलमोस्ट सेम है, 64 अलग अलग, और रैम भी ऑलमोस्ट अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। तो फ्रेंड, इसमें मैं आपको बताता हूँ अपना विचार, वैसे आपकी मर्ज़ी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे ये 4GB वाला वेरियंट मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे सारे काम ऑलमोस्ट कर देता है विदाउट एनी लैग। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सोच रहे हैं कि 4-5 हज़ार रुपये भर कर थोड़ा और महंगा लिया जाए तो उससे आपकी रेट बढ़ेगी, ओवरऑल क्वालिटी मतलब वैल्यू फॉर मनी उसमें कम हो जाता है क्योंकि आप ज़्यादा पैसे भर रहे हैं। हालांकि अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा आप हाई एंड मतलब 24 मतलब आप गेमिंग इतनी करते हैं, बहुत हाई एंड गेम्स करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो उनके लिए रैम चाहिए। अदरवाइज जैसे हम यूज़र हैं, वो यूज़र नहीं कह रहा जो बिल्कुल ही काम नहीं करते, मैं आई एम एक्सटेंसिव यूज़र ऑफ फ़ोन, मैं ऐप्स यूज़ करता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी ऐप्स यूज़ करता हूँ, तो आई एम एक्सटेंसिव यूज़र, फोटो कैमरा यूज़ करता हूँ। तो उसके हिसाब से, उस लिहाज से ये मेरे लिए 4GB बहुत है। तो उस हिसाब से इसमें जो रैम के वर्जन है दोनों में सेम है, तो रैम्स को सेम दिया जाता है। तो अभी तक प्रोसेसर को हमने देखा, उसमें आगे चल रहा है M30S। अब इसके बाद आते हैं बैटरी में। अब देखिए, अब आपने फ़ोन लिया है, आप नहीं चाहेंगे कि आप बार बार उसको चार्ज करें, हालांकि फास्ट चार्जिंग दोनों में A50 भी दे रहा है, M30S भी दे रहा है, बट फ़र्क ये है इसमें 6000 mAh की बैटरी है। तो दैट इज़ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि इसको आप मेरे सही ढंग से, जैसे मैंने बताया हुआ है, कार्ड्स पे कैमरा है और कार्ड्स पे वो वीडियो है जिसमें मैंने बताया कैसे आप इसमें 2 दिन की बैटरी आराम से निकाल सकते हैं विद एक्सटेंसिव यूज़। तो वो अगर आपने वीडियो देखा है तो कार्ड्स पे आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है। तो उस लिहाज से आपको ये बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो बैटरी के लिहाज में और बैकअप के लिहाज में अगेन M30S जीता है एज़ कम्पेयर टू A50। अब इसके बाद आता है कैमरा। कैमरे में मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, पिक्सल्स के ऊपर मत जाइए। पिक्सल्स पे जाएंगे तो बेसिकली कंफ्यूज होंगे। अब जैसे इसमें इन्होंने बोला हुआ है 48 MP का पिछला कैमरा, उसमें कैमरा जो है वो कम रेंज का है। ऑन द अदर हैंड, उसका फ्रंट कैमरा 25 MP का है और इसका फ्रंट कैमरा 16 MP का है, और दोनों में ट्रिपल कैमरा है, लेकिन इसमें बताया गया 48 MP का मेन कैमरा, उसमें है 25, मतलब उसमें है 25 MP, 5 MP, 8 MP, एन A50, और इसमें है 48 MP, 8 MP, 5 MP। तो इन शॉर्ट आपको बता दूं, कैमराज बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको पब्लिक को पागल बनाया जाता है, 48 है इसमें, 25 है, दोनों कैमरा सेम है। फ़र्क थोड़ा पड़ता है आपकी ट्यूनिंग का, इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग अलग तरह से है, उसमें सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग तरह से है,
तो कहने का मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो A50 का कैमरा हल्का सा, वो भी फ्रंट वाला, हल्का सा बेटर होगा, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पता लगेगा। वही चीज़ आप वैसे रिजल्ट्स M30s में पा सकते हैं, अगर आप लाइटिंग वगैरह को जानते हैं, अच्छे से लाइटिंग यूज़ करते हैं तो आपकी सेल्फीज़ भी इसमें अच्छी आएंगी। कैमरे के सॉफ्टवेयर को ढंग से चलाएंगे तो आपकी सेल्फीज़ भी अच्छी आएंगी। तो इसमें बेसिकली अगर सेल्फी कैमरा में देखा जाए तो उसमें ऑन स्पेसिफिकेशन वो आगे लगता है, लेकिन ऑन द होल कैमराज सेम है। तो कैमराज ये सोचेंगे उसमें कैमरा हमें फ्रंट वाला 25 मेगापिक्सल का मिल रहा तो हम A50 ले लें और M30s को छोड़ दो, गलत डिसीजन होगा। इसमें भी मैं कहूँगा कैमराज दोनों के सेम है, सिर्फ आपको लाइटिंग और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलना है। तो M30s भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो प्रोसेसर हो गया, रैम्स हो गई, कैमराज हो गए, बैटरी बैकअप हो गया, और ओवरऑल जो ग्राफिक्स का इसमें GPU वगैरह है वो भी M30s में लेटेस्ट है एज़ कम्पेयर टू A50। बाकी जो सेंसर्स हैं, लाइट सेंसर, प्रोग्रामिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जो सेंसर उसमें लगे होते हैं जो आपको GPS एंड ऑल दैट में हेल्प करते हैं, तो दोनों में सेम सेंसर्स लगे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं है। क्विक चार्जिंग दोनों में है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों एंड्रॉयड 9 पे काम करते हैं स्टॉक में, और स्लिम स्लॉट्स भी दोनों में डुअल सिम है, दोनों में GSM, और नंबर टू कार्ड स्लॉट अलग से दिया हुआ है तो इसमें आप कार्ड से एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। इसमें स्लिमनेस में, अगर आप स्लिम में जा रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन में जाऊं तो A50 हल्का सा इससे ज़्यादा पतला है और हल्का सा इससे थोड़ा कम चौड़ाई में भी थोड़ा सा कम है, तो बट वो फ़र्क आपको पता नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है इंडिया में जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं, पैसा, पैसे कितने लगेंगे, मनी कितना खर्च होगा, कितने कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, कौन ऐसा दे रहा है। तो वो फ़ोन कम पैसे में आपको M30s ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो ओवरऑल हर एक पॉइंट पे, कैमरे पे, बैटरी बैकअप पे और ओवरऑल लुक्स पे, दोनों प्लास्टिक बॉडीज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आप सोचें वो कांच में वायरलेस मिलेगा, नो, दोनों प्लास्टिक बॉडीज़ हैं। प्रोसेसर इसमें फास्ट है, रैम्स में दोनों सेम हैं, तो ऑल एंड ऑल M30s जीतता है। एक चीज़ आपको बता दूं जो मैं छूट गया हूँ, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। A50 में आपको इन स्क्रीन मिलता है और इसमें आपको मिलता है पीछे। तो एक लाइन में बोलूँ तो ये चोचला है, नंबर एक का चोचला। चाहे वो स्क्रीन के अंदर आपको टच आईडी मिले, चाहे आपको स्क्रीन के पीछे मिले, काम एक ही है। तो उस चोचले के पीछे आपको 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा भरने पड़े, नो यूज़। तो सरदार जी, आपने जो कहा था, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, M30s और A50 में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो M30s वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। ये आपको कैमरा अच्छा देगा, आपको फोटोज अच्छे देगा, आपको बैटरी बैकअप अच्छा देगा, और डिस्प्ले की बात करें दोनों में OLED सेम डिस्प्ले है, सैमसंग का डिस्प्ले आपको दोनों का सेम मिलेगा। तो किसी भी एंगल पे A50 इससे आगे नहीं है, इससे पीछे ही है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है उसमें, जो मैं आपको अभी बताता हूँ, बता चुका हूँ, चोचला, जो कि ये फिंगरप्रिंट इसमें पीछे है और उसमें आगे है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी सी रीच है, नो प्रॉब्लम है। तो ये सिंपल वीडियो था, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग M30s एंड सैमसंग A50। वो फ़ोन इससे महंगा है और बाकी सब चीज़ों में पीछे है। तो ओवरऑल आपका फैसला, कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ, आपके बीच में कन्फ्यूजन है तो क्लियरली विनर है M30s। अभी ले लें, ऑर्डर कर डालें और ले लें। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन इन द मार्केट इन 2019, जो कि मिड रेंज में है। और होप आपको पसंद लगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। और जिन जिन के पास ये फ़ोन है M30s, ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत इसकी नेगेटिव चीज़ें फैली हुई हैं काफ़ी लोगों ने। मैं थैंक यू करूंगा आप सबका, इतना प्यार दिया इस फ़ोन को लेके, मेरे वीडियोस को आपने शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है एंड अपने कमेंट्स में बताया कि हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज लिखूं तो जितने भी मैं वीडियोस में बोलता हूं कि ये बात कि आप इसके बारे में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कहता है कैसा है, तो 80% लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि इट इज़ ए पॉजिटिव फ़ोन, इसकी फिजूल में अफवाहें फैली हुई हैं जो नेगेटिव है, टक टक हो रही है। हाँ, हीटिंग इशू का एक बात आ रही थी, देखिए भाई, चक्की में आटा पीसोगे तो गर्मी निकलेगी ना। कहने का मतलब है, जितना ज़्यादा हैवी यूज़ करोगे आप,
बैटरी यूज़ हो रही है, तो बैटरी जब यूज़ होगी तो उसमें रिएक्शन होंगी, तो गर्मी तो पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत गर्म हो जाता है, जब आप कोई लो नेटवर्क एरिया पे एक्सटेंसिव इंटरनेट का काम कर रहे हैं उन सिचुएशन में ये गर्म होने की संभावना कई बार हो जाती है, वैसे अदरवाइज मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें उसी तरह ये फ्लैगशिप फ़ोन आईफोन एक्सेस ये भी गर्म होता है, तो ये सिचुएशंस के ऊपर ही बात है, ये इसमें फ़ोन की कोई ख़राबी नहीं है। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और कोई भी आपका एस्पेक्ट है इस फ़ोन को लेके आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जैसे सरदार जी पाजी ने कई बार लिखा मुझे, तो फाइनली आज मैंने आपको आपका रिक्वेस्ट ली है, और काफ़ी और लोगों का भी रिक्वेस्ट था, और काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी जो कन्फ्यूज़ हैं इन दोनों फ़ोन्स के अंदर। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है जब ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मैं आपको अपना फ्रेंड मानता हूं, और एज ए फ्रेंड आपको जो मुझे नॉलेज है शेयर करता हूं ताकि आपका कीमती पैसे सही जगह पर लगें। तो M30s पे पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना आज की डेट में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसी में यही फ़ोन लीजिए, A50 को भूल जाइए, किसी भी एंगल में वो इससे आगे नहीं है। दैट्स इट, यही था कंक्लूजन, होप आपको पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों को जिनको कन्फ्यूजन है इस वीडियो से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इसके अलावा किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, किस चीज़ की अनबॉक्सिंग आप चाहते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखें मेरे को, तो थोड़ा हेल्प हो जाती है आपकी हेल्प से, और अच्छी जैसे मज़ा ये MTS का काफ़ी प्यार मिल रहा है। और अगर आप नए चैनल पे तो अब तक प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो, क्योंकि लाइक से यूट्यूब सोचता है कि हमने अच्छा काम किया और हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।